ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं अर्बन क्रूज़र और ब्रेज़ा के बारे में। पहले भी वीडियो बन चुकी है लेकिन आज काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे सामने, जैसे कल की वीडियो में हमने बताया था कि काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे सामने हैं लेकिन प्राइसेस हमारे सामने नहीं है। तो अर्बन क्रूज़र का काफ़ी कुछ कुछ लुक है उसकी, जो क्या वो डिफरेंट है, क्या बलेनो और ग्लांजा वाली चीज़ रिपीट की है उन्होंने, या कुछ अलग डिफरेंट करने की कोशिश की है इस गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कंपैरिजन करते हैं ब्रेज़ा से। तो शुरुआत में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही स्मार्टली फ्रंट के डिज़ाइन के शुरू करें अगर तो बहुत ही स्मार्टली चेंज किया गया है। हालांकि गाड़ी सेम है, ब्रेज़ा ही है, लेकिन फ्रंट ग्रिल को बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज करके उसको एक अलग गाड़ी बनाने की कोशिश की गई है। दूर से अगर अर्बन क्रूज़र या ब्रेज़ा को आते देखें तो आइडेंटिकली चेंजेस साफ तौर पे नज़र आएंगे हमें, जहाँ पे ब्रेज़ा के अंदर फुल ग्लॉस का एक ग्रिल है, पतली स्लैट नज़र आती है, वहीं पे एक बोल्ड ब्लैक कलर के थीम के साथ पेश की गई है हमारे पास अर्बन क्रूज़र। नीचे अगर देखें बम्पर के ऊपर तो एक बहुत सा प्रोमिनेंट ग्रे कलर का एक एसयूवी स्टांस देने की कोशिश में एक स्ट्रिप पेश की गई है। हालांकि है वो प्लास्टिक में ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एसयूवी स्टांस देने की कोशिश की गई है ब्रेज़ा में। वहीं पे अगर हम अर्बन क्रूज़र को देखें तो उसके अंदर बॉडी कलर्ड बहुत मोटी सी, उससे भी बोल्ड स्ट्रिप देने की कोशिश की गई है। साइडों में अगर फॉग लैम्प्स को देखें तो वो भी कुछ अलग, कुछ डिफरेंट रीशेप और रीपोजिशनड किए गए हैं। वो अगर बात करूं दोस्तों हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स की हाउसिंग है जो, उसका डिज़ाइन इंटैक्ट रखा गया है, वो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो एलईडी लाइट्स हैं उनके डिज़ाइन को टोयोटा ने अपने हिसाब से कुछ कन्वर्ट किया है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रंट लुक की अगर बात करें तो आइडेंटिकली दोनों गाड़ियाँ अलग अलग लगती हैं। अगर बात करें साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल में कुछ भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, ग्लास एरिया वैसा ही है। नीचे अगर देखें तो डोर पैड्स के हिसाब से तो वैसे वो भी इंटैक्ट ही रखा गया है। इवन इसके अलॉय व्हील्स के अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं किया गया, तो सारा जोर लगाया गया फ्रंट के ऊपर, साइड प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। रियर में चलते हैं दोस्तों, रियर में देखें तो जैसे उसमें भी रेक्टेंगुलर शेप की एलईडी टेल लाइट्स नज़र आती हैं, इसमें भी वैसी नज़र आती हैं। जो टेल गेट है उसमें भी कुछ चेंज नहीं किए गए, आइडेंटिकल बस वही लोगो चेंज है और तो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अर्बन क्रूज़र के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों मैं इंटीरियर की, तो जैसे ही हम डोर खोलते हैं तो हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं जो ब्रेज़ा है। अंदर से देखने में कहीं भी पता नहीं लगेगा हमें कि ब्रेज़ा में बैठे हैं या अर्बन क्रूज़र में बैठे हैं। फ़र्क दो नज़र आएंगे इसके अंदर। सबसे बड़ा फ़र्क आएगा जो लोगो है एस की जगह टोयोटा का, यानी कि सुजुकी की जगह टोयोटा का लोगो हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा फ़र्क हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑल ब्लैक थीम लेके चलती है ब्रेज़ा, वहीं पे हमें टिपिकल कॉफ़ी ब्राउन कलर हमें देखने को मिलेगा हमें अर्बन क्रूज़र के अंदर, जो कि अपना चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। किसी को ऑल ब्लैक थीम पसंद है, किसी को कॉफ़ी ब्राउन भी पसंद आएगा एक स्पोर्टी सी डार्क थीम के रूप में। थोड़ा अलग भी हो गया और डार्क का डार्क भी रह गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अर्बन क्रूज़र के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इसकी डायमेंशंस की, तो लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस इंटैक्ट रखे जाएंगे, सब कुछ वैसा ही होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म भी वही है, गाड़ी भी वही है। तो लेंथ विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 3995 mm की लेंथ है ब्रेज़ा की, 1640 हाइट है, 1790 विड्थ है और 2500 mm का व्हील बेस है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक अनाउंस नहीं की गई, दिखाई नहीं गई टोयोटा की तरफ से, लेकिन होगा ये सेम ही, कुछ खास फर्क नहीं हुआ। बूट स्पेस भी वैसे ही होगा जैसा कि ब्रेज़ा के अंदर पाया जा रहा है। खासियतें ब्रेज़ा वाली जो है वो सारी ये लेके चलेगी, जिसके अंदर की बॉक्सी डिज़ाइन के कारण अंदर की स्पेस बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हम कर सकते हैं। अगर बात करूँ दोस्तों इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो दो एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स,
अलग फीचर्स की बात करूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो उसमें है स्मार्ट प्ले स्टूडियो वाला, वैसा ही अर्बन क्रूजर के अंदर भी हमें मिलेगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कॉम्पैटिबल है। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक एसी और कीलेस एंट्री जैसी सुविधा के साथ साथ पुश स्टार्ट टॉप बटन की सुविधा भी हमें मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर, जो कि ब्रेजा के अंदर ऑलरेडी हमें मिल रही है। अगर बात करूँ दोस्तों इसके इंजन की, तो इंजन एक ही आएगा, वही इंजन है जो कि ब्रेजा के साथ साथ काफ़ी बड़ी गाड़ियां जो मारुति सुजुकी की हैं उनके अंदर आ रहा है। डीजल इंजन है ही नहीं, पेट्रोल इंजन सिर्फ आएगा। 1.5 लीटर का इंजन K15 सीरीज 1465 सीसी का इंजन है जो कि 105 bhp की पावर जनरेट करता है। 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर के साथ जो कि हाल ही में लॉन्च हुई एस क्रॉस के अंदर भी हमें देखा, वही इंजन सेम इसके अंदर भी आएगा। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं ये, तो वो इसके अंदर भी पेश किया जाएगा। तो अगर बात करें एक चेंज की, मेन गेम चेंजर की या ट्रम्प कार्ड की, तो वो है टोयोटा के पास। टोयोटा ने इसके ऊपर दिया है 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी। वहीं पे अगर हम देखें ब्रेजा में तो हमें 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हमें मिलेगा जो कि टोयोटा का सर्विस की एक क्वालिटी। अगर हमें सर्विस क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हमें अर्बन क्रूजर लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्विस नेटवर्क मारुति सुजुकी का बड़ा है। रीसेल वैल्यू भी मेरे हिसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मारुति सुजुकी की स्टैंप लगे होने का रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। अगर बात करूँ दोस्तों इसके प्राइसेस की, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, जो कि डील ब्रेकर हो हमारे लिए कि वो लें या वो लें, इतनी कन्फ्यूज़न वाला फ़र्क ज़रूर होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए दोनों गाड़ियों की कीमतों के अंदर भी, क्योंकि गाड़ी भी सेम है, फीचर्स में भी कोई बदलाव नहीं है और ऊपर से सेफ्टी पैक में भी कुछ अलग नहीं दिया गया, वैसा का वैसा सब कुछ दिया गया है। तो अगर बात करूँ दोस्तों इसके लॉन्च होने की, तो लॉन्च मेरे हिसाब से ये सितंबर महीने के अंदर लॉन्च हो जानी चाहिए और रोड्स के ऊपर हमें चलती नज़र भी आनी चाहिए। आप बताइए दोस्तों ये वीडियो, ये अपडेट आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि ये टोयोटा ने एक अलग चीज़ बनाने की जो कोशिश की है, क्या उसमें वो सफल हो पाए हैं? डिज़ाइन देख के क्या लग रहा है, तो वो कमेंट में हम बात करते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।